संत रविदास जी के मंदिर निर्माण हेतु प्रदेश भर में निकाले जा रही सामाजिक समरसता यात्रा देवास जिले के बागली विधानसभा के सतवास होते हुए कन्नौज पहुंची है। यहां बस स्टैंड पर विधायक आशीष शर्मा, यात्रा संयोजक मनीष सोलंकी ने संबोधित किया। नगर आगमन पर यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सागर जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंशा के अनुसार लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। संत रविदास जी की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर आरती की एवं उनके विचारों पर प्रकाश डाला। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। देवास जिले के विभिन्न स्थानों से होती हुई नगर कन्नौज में पहुंची है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित इस यात्रा के संयोजक मनीष सोलंकी जी, हमारी महिला रेंजी बहन माया पटेल जी, गंगा प्रसाद तिलवारे जी, कछुआरे जी, बहन पिंकी बारेला जी, हमारे रामचरण भैया, हरि भैया, बाबू दादा और उपस्थित समस्त समाजजन, इस यात्रा के संयोजक बागीलाल जी, खत्री राधेश्याम जी, हमारे मंडल अध्यक्ष विजय जी, अर्जुन भाई, अशोक दुर्गट जी और उपस्थित समस्त नगरवासी साथियों, मध्य प्रदेश के सागर जिले में 12 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस भव्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे, उस भव्य मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन करेंगे जो संत रविदास जी की प्रतिमा के साथ बनाया जा रहा है। निश्चित ही मध्य प्रदेश के इतिहास में 12 तारीख का दिन संत रविदास जी के विचारों की प्रेरणा और संत रविदास जी के व्यक्तित्व को लेकर जो भव्य स्मारक निर्माण किया जा रहा है उसके लिए एक नीम का पत्थर साबित होगा। मैं समस्त समाज जनों को इस अवसर पर अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त प्रयासों से सागर में इस भव्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत कर रहे हैं। साथियों, ये भारत भूमि है, यहाँ पर संत समय समय पर आते रहे। महात्मा कबीर, रहीम रसखान, सूरदास मीरा, गोस्वामी तुलसीदास, संत रैदास, ये ऐसे नाम हुए जिन्होंने अपने भजनों से, अपने वाणी से उस ईश्वर को प्राप्त किया, उस भगवान को प्राप्त किया और समाज को संदेश दिया कि हम सब जन्म से एक जैसे होते हैं, हमारे अंदर दौड़ने वाला खून एक होता है, हमारा रंग रूप लेन नक्शा एक होता है, हम सब को भगवान इस धरती पर अच्छे काम करने के लिए भेजता है। लेकिन किसी का जन्म कहीं भी हो, यदि उसके कर्म अच्छे नहीं है तो वो महान नहीं हो सकता, वो बड़ा नहीं हो सकता। और यदि कोई कितने भी गरीब परिवार में जन्मा हो, उसके कर्म यदि अच्छे हो, मानवता की भावना उसके मन में बसी हो, तो वो एक दिन संत रैदास के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो सकता है। इसलिए कर्म की प्रधानता संत रैदास जी की वाणी से हमको सुनने के लिए मिलती है। एक समय था इस देश में जब छुआछूत होती थी, जाति पाति के नाम पर एक दूसरे से भेदभाव किया जाता था, लेकिन संतों की वाणी से समाज में आज हम कह सकते हैं कि न सिर्फ छुआछूत दूर हुई है बल्कि समाज में समरसता का भाव जागृत हुआ है। आज हम एक दूसरे के साथ बैठकर खा सकते हैं, रह सकते हैं और जिस संदेश को संत रैदास ने इस धरती पर पहुंचाने का प्रयास किया था, जन जन तक देने का काम किया था, जात बात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि का होई, और इसी भावना को आज हम दृष्टिगोचर होते हुए इस भारत भूमि पर देख रहे हैं। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस भारत वर्ष में आई है, तब से हमारे क्रांति के महानायकों को लेकर हमारे महापुरुषों के नाम पर बहुत सारे कार्य इस सरकार ने किए हैं। चाहे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मस्थली मऊ के विकास का मामला हो, अयोध्या में काशी विश्वनाथ के मंदिर का भव्य निर्माण का मामला हो, उज्जैन में महाकाल लोक के भव्य मंदिर के निर्माण का मामला हो, चाहे अब संत रविदास जी के इस मंदिर के निर्माण का मामला हो, सरकार ने इस अभियान को अपने हाथ में लिया है और जन अभियान परिषद इस समरसता यात्रा की आयोजक बनी है। हर गांव से एक मुट्ठी मिट्टी
और नदी का पवित्र जल ये लेकर सागर जाया जा रहा है और वहां ये पूरे मध्य प्रदेश से बुलाया हुआ जल और मिट्टी एकत्रित होगी और वो संत रविदास जी के मंदिर की नींव में शामिल होगी जिस पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। संत किसी एक समाज के नहीं होते, वो किसी एक परिवार में जन्म अवश्य लेते हैं, उनका लालन पालन किसी एक समाज में अवश्य होता है, लेकिन उनकी शिक्षाएं पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए होती है जिसके बताए मार्ग पर चलकर समाज आगे बढ़ता चला जाता है। हम आज संत रविदास जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी शिक्षाएं, आपके वचन और आपके आशीर्वाद इस भारतीय समाज में जो रचे बसे हैं वो उन्नति का मार्ग दिखाएं, छुआछूत भेदभाव दूर हो और हम सब मिलकर इस भारत भूमि के विकास के लिए, इस भारत को दुनिया का नंबर एक राष्ट्र बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब अपने अपने हिस्से का योगदान दें। ये यात्रा कल यहाँ से उस्मानिया होते हुए आष्टा को प्रस्थान करेगी। 12 तारीख को हम भी प्रयास करेंगे कि अपने यहाँ से बड़ी संख्या में समाज जन सागर में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे। जो जो भी सागर जाना चाहता है वो हमसे संपर्क करें, हम उस कार्यक्रम के लिए भी आप सबको लेकर चलेंगे। लेकिन आज हम यही संकल्प लें, हमारे नगर में अयोध्या बस्ती में भगवान रविदास जी का मंदिर का निर्माण हुआ है। हमारे गुलाब नेताजी जो कि उस मंदिर के निर्माण के बहुत लगातार प्रयासरत थे, आज वहाँ पर मंदिर का निर्माण है, नित्य पूजा अर्चना होती है, विभिन्न कार्यक्रम भी होते हैं। निश्चित ही महापुरुष इसलिए होते हैं, संत महात्मा इसलिए होते हैं कि उनके जीवन से आने वाले समय में पीढ़ियां मार्गदर्शन प्राप्त करें, ज्ञान के बताए मार्ग पर चले। और दुनिया में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, अगर ज्ञान श्रेष्ठ नहीं होता तो मीरा कवि रैदास को अपना गुरु नहीं बनाते। इसलिए ज्ञान और भक्ति सर्वोपरि है और उस भक्ति को जो पा लेता है, उस भगवान से जो साक्षात्कार कर लेता है, वो संत महात्मा दुनिया में अमर हो जाता है। संत रैदास जी के चरणों में मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और आप सभी से यही आग्रह करता हूँ कि आज की इस यात्रा को आपने सफल बनाया। 12 तारीख को हम सब सागर चलेंगे और वहाँ संत रविदास जी के भव्य मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बोलिए, संत रविदास महाराज की, संत रविदास महाराज की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।